ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एम्बेडेड सिस्टम पार्ट वन, सभी के चैप्टर नंबर वन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो सभी क्लियर हो चुके हैं ना? नो नीड टू कॉल एनी टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर वन. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर एंड द चैप्टर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. ओके, एम्बेडेड सिस्टम, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? देन कितने लोगों को पता है एम्बेडेड सिस्टम, वर्ड सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों को एम्बेडेड सिस्टम वर्ड पता है, क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम? अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी. हेलो, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एक हार्डवेयर सिस्टम होती है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर. हार्डवेयर सिस्टम होती है वो. मतलब अपने मदरबोर्ड मदरबोर्ड वन से माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ मैं ये क्या होता है. तो इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम से पहले उसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देन गो टुवर्ड द डेफिनेशन. तो सबसे पहले मैं उसके अलग अलग एप्लीकेशन जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम यूज हो रहा है वो बताती हूँ सबसे पहले. तो दिस वन इज द वायरलेस कम्युनिकेशन. वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम. रोबोटिक्स कंट्रोल में यूज होता है. देन स्मार्ट टॉयज, टॉयज जो आते हैं, टॉयज मतलब रोबोट्स के रिलेटेड कुछ टॉयज रहते हैं जो अपने आप रिएक्ट करते हैं. देन अभी देखो, दीज आर द वेरियस. ऑटोमोबाइल में भी, कार में भी एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है. ऑटोमेटिक कार में नेविगेशन एंड नंबर ऑफ थिंग्स जो रहते हैं ना, एसी रहता है वो फ्रंट और रियर के एयर को डिटेक्ट करके उस हिसाब से स्पीड कम ज्यादा कर सकता है. दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. हेलो, अपने माइक म्यूट रखो अभी. हाँ, जब मैं क्वेश्चन करूंगी तब ऑन करना. ओके, तो ये रहते हैं एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल्स. अभी मैं एम्बेडेड सिस्टम का पहले डेफिनेशन बताती हूँ, देन वन बाय वन एक्सप्लेन करती थी. दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो ये डेफिनेशन पहले समझ लो. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स. इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या है, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चलते हैं, और कुछ मैकेनिकल मतलब जो मैकेनिकल पार्ट्स जिसको मूव करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, या फिर एक्चुअल जो पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम जो होता है. तो दोनों मिला के जो सिस्टम डिजाइन किया है, जहाँ पे हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है. सम फंक्शंस जो होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के अगर कोई सिस्टम बनाते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम. मतलब देखो, सॉफ्टवेयर मतलब वो अपने आप वर्क करेगा, एंड हार्डवेयर का मतलब क्या है, हार्डवेयर में मतलब चिप होगा, आईसी होगा, एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, कुछ सेंसर्स होंगे. तो उन सभी को, वो वाला जो पार्ट आता है जहाँ जहाँ पे हम डिवाइसेस कनेक्ट करते जाएंगे, ये सारे डिवाइसेस में आपका पार्ट क्या आता है, ये डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर पार्ट आता है. और जितने सारे प्रोग्राम्स हम एक आईसी के ऊपर रन करके या फिर एपीके बना के उसके ऊपर अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं. देन वन मोर टाइम, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच टूगेदर फॉर्म अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ लार्जर मशीन. या फिर उसको दूसरा डेफिनेशन ये है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को मिला के बनाया है,
टू फॉर्म अ कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर मशीन, एक बड़े मशीन का अगर आपको कंपोनेंट बनाना है और उस मशीन के कंपोनेंट्स को अगर आप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन इट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड सिस्टम. दिस इज द एम्बेडेड सिस्टम. अभी देखो ये एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पे देखो, एम्बेडेड सिस्टम जो है ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, मतलब कार के लिए यूज किया जा रहा है और कार के लिए जो यूज करने वाले ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम होता है. माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम मतलब पीसी, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स है. उसका उस कंप्यूटर का यूज करके आप एक प्रोग्राम बनाते हो और वो प्रोग्राम आप कहाँ पे डालते हो, एक आईसी में, एक चिप में. और वो जो चिप रहती है उस चिप को सीपीयू, मतलब आप बोल सकते हो कि उसको एक प्रोसेसर होता है खुद का, मेमोरी होती है, इंटरफेस विथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड डिवाइसेस. तो वो क्या करते हैं, पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं, देन इंस्टॉल द एपीके और द .exe फाइल ऑन द चिप, एंड आफ्टर दैट द चिप इज इनबिल्ट, उसको कहाँ पे एम्बेड करते हैं, एक मशीन में, एक कार में उसको एम्बेड किया है, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में उसको डाला है, तो उसे कहा जाएगा एम्बेडेड एप्लीकेशन. An example of embedded system is a microprocessor that control an automobile engine. तो example क्या है embedded system का, एक microprocessor जो एक automobile engine को control करता है. यहाँ पे sensors को connect करता है, connected to actuators, real time operations and program one. अब देखो sensors होते हैं जो sense करते हैं. अगर आपको embedded system का real life example अगर आपको देखना है तो आप टीवी को ऑपरेट करने के लिए रिमोट का यूज करते हो, और जब आप रिमोट का यूज करते हो तो रिमोट का यूज जब आप करते हो तो उस टाइम पे आप एक डिस्टेंस से आप अलग अलग चैनल चेंज करते हो, वॉइस कम ज्यादा करते हो, तो उस अगर आपने वो रिमोट देखा होगा तो उसके अंदर जो है एक मदरबोर्ड है छोटा सा ग्रीन कलर का, जहाँ पे अलग अलग आईसीज, अलग अलग सेंसर्स, एक्चुएटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, जैसे आप बोल सकते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वहाँ पे बिल्ड किए हैं. और वो क्या करते हैं, सेंसर्स मतलब वो जो रेड कलर का लाइट है वो डिटेक्ट करता है टीवी, और उस हिसाब से वो सेंसर्स एक दूसरे से कांटेक्ट कम्युनिकेशन करके चैनल चेंज करना, वॉइस कम ज़्यादा करना, इस तरह से वो वर्क करता है. देन इसमें भी क्या किया है कि जब हम रिमोट यूज़ करने वाले तो उसमें एक इनबिल्ट चिप है, और वो चिप में हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी वहाँ पे डाल के रखा है. तो वो प्रोग्राम डालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा, एक माइक्रो कंप्यूटर जहाँ पे पीसी, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एंड रैम, रोम सब लगेगा. उसके बाद वो प्रोसेसर जो जहाँ पे भी हम वो चिप डालने वाले आईसी, उस आईसी को हमें मेमोरी लगेगी, सीपीयू मतलब प्रोसेसर लगेगा, इंटरफेसिंग विद अनदर डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज अ माइक्रोप्रोसेसर दैट कंट्रोल ऑटोमोबाइल इंजिन. An embedded system is designed to run on its own without human intervention, may be required to respond to events in real time. कभी कभी without human intervention, मतलब जैसे हमें चैनल चेंज करने तो बटन हम दबाते हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है. कभी कभी embedded system ऐसे applications के लिए बनाया जाता है, real time applications के लिए, जहाँ पे human का intervention नहीं होता है, मतलब without any human contact वो अपने आप program किए रहते कि अपने आप वो एज पर द टाइमिंग, एज पर द सिचुएशन वो अपने आप डिसीजन लेते हैं और वर्क करते हैं. और ये एम्बेडेड सिस्टम का डायग्राम है. अभी देखो सिस्टम किस तरह से रहता है. तो सिस्टम में सबसे पहले ये सिस्टम कोर है. सिस्टम कोर मतलब आईसी है, जहाँ पे प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी, और दिस वन इज द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जिसको हम सेंस करते हैं. देखो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, इस तरह से सेंसर्स होते हैं जो सेंस करने के बाद डिटेक्ट करते हैं. तो वो सेंसर्स होंगे अलग अलग जो कमांड करेंगे प्रोसेसर को. प्रोसेसर अपना डेटा स्टोर, टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी लगेगा. नॉर्मली एम्बेडेड सिस्टम में परमानेंट मेमोरी कम होती है, उसमें टेम्पररी मेमोरी ज़्यादा होती है. ओके, तो इंस्टेड ऑफ रैम देर इज अ रोम. ओके, एंड दीज आर द आउटपुट पोर्ट्स. आउटपुट पोर्ट में देखो ये एलईडी है या फिर कुछ मशीन से या फिर रील होता है जिसके ऊपर हमारा आउटपुट लिखते जाते हैं या फिर डिटेक्ट करते जाते हैं. देन अदर सपोर्टिंग इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सबसिस्टम. अगर कुछ और सपोर्टिंग सिस्टम अगर लग रहे हैं तो वो लगेंगे. एंड कम्युनिकेशन विथ इंटरफेस. अभी कम्युनिकेशन मतलब आप यूएसबी ड्राइव कनेक्ट करते हो, अलग अलग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को कनेक्ट करते हो, तो उसके वो
कम्युनिकेशन इंटरफेसेस है वो। तो जब भी हम एक एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं तो एम्बेडेड सिस्टम को सबसे पहले सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगते हैं। सेंसर्स ओनली टेक द इनपुट एंड एक्चुएटर्स शो द आउटपुट। सेंसर सिर्फ सेंस करते हैं, इनपुट लेते हैं और क्या करते हैं, एक्चुएटर्स क्या किए कि जो भी सेंस किया हुआ डेटा है वो आईसी के पास जाएगा, आईसी प्रोसेसर उसको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स, मतलब एलईडी ब्लिंक करेंगे या नहीं करेंगे। दिस वन इज द टेम्पररी मेमोरी, नथिंग बट लाइक रॉम एंड सम कम्युनिकेशन इंटरफेसेस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज नीडेड। ओके, देन हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ये देखो एक वन ऑफ द वेरी रिकग्नाइजली मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम वॉज द अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर डेवलप बाय चार्ल्स स्टार्क ड्रैपर एट MIT। ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम बनाया था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न सिस्टम टू कलेक्ट एंड प्रोवाइड फ्लाइट इंफॉर्मेशन टू ऑटोमेटिकली कंट्रोल ऑल द नेविगेशनल फंक्शन ऑफ अपोलो स्पेस क्राफ्ट। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर क्यों बनाया था, ये फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था जहाँ पे फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, फ्लाइट एरोप्लेन में कितने टाइम पे वो उसका डिपार्चर टाइम है, देन उसका जो स्टेटस है, करंट स्टेटस है वो शो करना, नेविगेशन बताना, तो ये सारे जो स्पेस क्राफ्ट के रिलेटेड जो फंक्शन है वो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू किए गए थे और वो MIT लैब में बनाए गए थे 1960 में बाय अपोलो प्रोग्राम, और जिसको इन्वेंट किया था चार्ल्स स्टार्क ड्रैपर। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, उसके जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते गए और जितने एप्लीकेशन आते गए उसमें हर एक में क्या रहा, एम्बेडेड सिस्टम कॉमन रहा। तो अभी तक मैंने जितना बताया उतना आपको समझ में आया क्या? अभी मैंने डेफिनेशंस बताया आपको, डेफिनेशन बताया, देन डेफिनेशंस के बाद थोड़े से एप्लीकेशंस बताए। यहाँ तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ओके ओके मैम। तो हर एम्बेडेड सिस्टम में कॉमन जो पार्ट लगते हैं, हर एम्बेडेड सिस्टम में कॉमन जो पार्ट्स लगते हैं वो सबसे पहले लगते हैं उसमें मेमोरी, देन प्रोसेसर, देन इंटरफेसिंग डिवाइसेस विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक एज सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स ओनली टेक द इनपुट एंड एक्चुएटर्स ओनली शो द आउटपुट, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम। तो ये कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू हम एक कोई भी एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं। अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाना है तो मेनली आपको मेमोरी लगेगा, छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, आप कोई भी माइक्रो प्रोसेसर यूज कर सकते हो, 8085 यूज करो, 8086 करो, या फिर लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर का चिप यूज करके आप उसमें प्रोग्राम, सिर्फ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल exe फाइल डाल दो और वो अगर उस हिसाब से हार्डवेयर वर्क कर रहा है तो उसको कहेंगे हम एम्बेडेड सिस्टम। ओके, there are various classification of embedded system. Some are the small scale embedded system. Font visible hai kya? Hello? Yes ma'am. Yes ma'am. Haan, thoda sa dark blue color hai, isliye puch rahi. Haan? Agar bologe to main font color change karungi. No need? Then some are the small scale embedded system. ये देखो ये छोटा वाला जो IC होता है, जो 8-pin, 16-pin, आपको पता है ना 16 भी, ये IC देखे आपने 8085 का, वो 40-pin IC होता है। तो वैसे ही जो कम वाले IC, ये 40-pin के ऊपर है, आप बोल सकते हो उसको 128, 2 raised to the power में ही रहते हैं वो, normally 40-pin, 80-pins अलग अलग हो सकता है, जैसे आईसी जितने फंक्शन से वैसे उनके नंबर्स अलग हो सकते हैं। ये सबसे कम वाले जहाँ पे नंबर से पिन से उसे स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। आपके DTE के प्रैक्टिकल में आपने अगर देखे होंगे छोटे छोटे आईसी, तो जो छोटे आईसी है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं उसको स्मॉल स्केल कहते हैं, और उससे थोड़े से बड़े वाले आईसी उसको मीडियम स्केल कहते हैं, और सोफेस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम जहाँ पे सिर्फ आईसी नहीं होता, आईसी के साथ ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे डायोड्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, बसेस होते हैं, वायर्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको सोफेस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है।
तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. फर्स्ट वन इज द स्मॉल स्केल, देन मीडियम स्केल एंड सोफेस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम. स्मॉल स्केल विच हैव लेस नंबर ऑफ पिंस, मीडियम स्केल विच हैव मोर नंबर ऑफ पिंस दैन स्मॉल स्केल, एंड सोफेस्टिकेटेड इज नॉट ओनली द आईसी बट विथ अनदर डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, बसेस एंड अदर सपोर्टिंग सर्किटरी इज ऑल्सो प्रेजेंट. ये है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम. स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम नॉर्मली 8 बिट या 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है. देखो नंबर कोई भी अलग हो सकता है, यहाँ पे आईसीपी नंबर दिखा है, अलग अलग नंबर के माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं. तो 8 बिट या 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है. देन लिटल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है उसमें, कम से कम मतलब स्मॉल. जैसे आपका एंड वाला आईसी आपने देखा होगा, डीटी के प्रैक्टिकल में देखे क्या आपने आईसी? डीटी के प्रैक्टिकल में एंड का आईसी, और का आईसी देखे है ना सभी ने? हाँ. तो वैसे जो छोटे वाले आईसी है ना, वो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के लिए बनाए. मतलब नॉट नॉट पे हम क्या करें, एक साइड से इनपुट देते, दूसरे साइड से एलईडी लगाते. तो इनपुट वाला पार्ट आपका सेंसर, और आउटपुट जहाँ पे एलईडी होता है वो एक्चुएटर होता है, और बीच में जो आपका आईसी होता है वो एम्बेडेड सिस्टम होता है. ओके तो यहाँ पे लिटल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं. दे में इवन बी बैटरी ऑपरेटेड, कुछ जो होते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड हो सकते हैं. मतलब डायरेक्टली आपको उसको पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, बैटरी के ऊपर भी कुछ स्मॉल स्केल वर्क करते हैं. यूजुअली सी इज यूज फॉर डेवलपिंग दिस सिस्टम. सी के प्रोग्राम्स यूज करके ऐसे एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप किया जाता है. The need to limit power dissipation when system is running continuously. लेकिन ज़्यादा देर तक अगर हम ये IC use करते रहते तो most of the IC fail हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, वो बाद में output नहीं display करते. आपने देखा होगा कि practicals के लिए बार बार जो IC use करते next time वो IC खराब हो जाती है और output display नहीं करता है. तो उसका limitation है कि power ज़्यादा देर तक अगर हमें उसको use करेंगे तो उसकी वजह से वो खराब भी हो सकते हैं. और इसमें प्रोग्राम डालने के लिए आप एडिटर्स, सी टी सी का एडिटर यूज करेंगे, असेंबलर यूज करते हैं, मैसम के प्रोग्राम डाल सकते हैं या फिर क्रॉस असेंबलर डाल सकते हैं. क्रॉस असेंबलर में देर आर टू पार्ट्स. क्रॉस असेंबलर में स्टेप वन और स्टेप टू होता है, जहाँ पे सबसे पहले कोड, जो कोड लिखते हैं ना, क्या बोलते हो आप उसको, सोर्स कोड. तो सोर्स कोड में जो शॉर्टकट्स आने वाले, पहले उसका डेफिनेशन पुट करते हैं स्टेप वन में, और स्टेप टू में एक्चुअल प्रोग्राम रन करते हैं. मतलब जैसे हम हैश इंक्लूड stdio.h का पहले से ही डेफिनेशन स्टोर्ड है, तो पहले हम सी इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम लिखते हैं. तो वैसे ही क्रॉस असेंबलर में जो भी आपका प्रोग्राम है उसके रिलेटेड जो आपके माइक्रो कोड्स आने वाले या फिर जो भी कोड्स आने वाले, उस सबसे पहले उसको इनपुट करते हैं, देन प्रोग्राम को इनपुट करते हैं. क्रॉस असेंबलर टू स्टेप प्रोग्रामिंग कहते हैं उसको. तो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम इज अ 8 बिट और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, लिटल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दे मे बी वन बैटरी ऑपरेटेड. यूजुअली सी इज यूज फॉर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. एंड द नीड टू लिमिट द पावर डिसिपेशन, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं यूज कर सकते. पावर डिसिपेशन मतलब उसके ज़्यादा देर तक अगर पावर यूज करें इलेक्ट्रिसिटी तो वो खराब हो सकते हैं. Then next one is the medium scale embedded system. Medium, जैसे small scale 8 bit और 16 bit था, तो ये single और few 16 और 32 bit microcontroller है. 16 और 32 bit microcontroller है, digital signal processor है, या फिर reduced instruction set computer हो सकता है. RISC और CISC का word आपने सुना होगा. RISC, RISC, reduced instruction set and complex instruction set. तो ये रिस्क और सिस वाले जो आईसी है उसको आप मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हो. जो 16 और 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, ये बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. एंड प्रोग्रामिंग टूल कौन से है? आरटॉस, रियल. अभी देखो अगर आपको रिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर अगर यूज करना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं. सोर्स कोड, देन सिम्युलेटर, डिबगर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड
मतलब इसका प्रोग्राम बनाने के लिए आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। सोर्स कोड इंजीनियरिंग का जो कोड है उसको यूज़ कर सकते हैं आप, सिमुलेटर्स यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। डिबगर, डिबगर आपको पता है? डिबग करना मतलब एक एक स्टेप करके रन करते जाना और जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे चेक, मतलब ट्रेस आउट करना कहाँ तक प्रोग्राम सही है और कहाँ से प्रोग्राम रॉन्ग है, उसको डिबगिंग कहते हैं। आईडी, अलग अलग आईडी एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसमें भी आप प्रोग्राम इसके लिए बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज द सोफेस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। देखो मीडियम, जैसे आपका स्मॉल स्केल था वैसे ही आपका मीडियम स्केल है। मीडियम स्केल में मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल स्केल 8 और 16 बिट होता है, तो मीडियम स्केल 16 to 32 बिट होता है, सेम रहता है। उसमें भी ये RISC और CISC कंप्यूटर जो है उसमें यूज किया जाता है। एंड इट इज आल्सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड दीज आर द प्रोग्रामिंग टूल। आपको अगर उसके लिए प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए अगर कोई exe फाइल बनाना है, तो दीज आर द सपोर्टिंग प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर मीडियम स्क्रीन एम्बेडेड सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज द सोफेस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। सोफेस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम में ये देखो एक चिप है, वो डायरेक्टली मदरबोर्ड पे ये कर दिया है, क्या बोलते हैं, माउंट कर दिया है। अभी तक ये वाले जो आईसी थे वो अलग थे, सेपरेट थे। देखो ये सेपरेट है, इसके पिंस दिख रहे हैं, ये वाला था इसके भी पिंस दिख रहे हैं, ये देखो है ना। तो ये वाले जो आईसी थे इसके पिन दिख रहे हैं, मतलब ये अलग से हमें जैसे आपका वो ब्रेडबोर्ड होता है ना उसके ऊपर माउंट करके आप प्रोग्राम रन करते थे, लेकिन ये वाला जो आईसी ये डायरेक्टली माउंट किया है मदरबोर्ड के ऊपर, तो उसको सोफेस्टिकेटेड एम्बेडेड बोला है। इनॉर्मस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। फंक्शन विच में नीड स्केलेबल प्रोसेसर, कॉन्फिगरेबल प्रोसेसर एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक एरे। तो PLA करके जो है, PLA मतलब प्रोग्रामिंग के लिए नंबर ऑफ एरेज का हमें मेमोरी लगता है। हर टाइप के मैक्सिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट करता है। स्केलेबल आप नथिंग बट इसको प्रोसेसर भी कह सकते हो। एंड कंस्ट्रेंट बाय द प्रोसेसिंग स्पीड अवेलेबल इन देयर हार्डवेयर, जितना स्पीड है वो स्पीड का कंस्ट्रेंट हो सकता है। कि जैसे आप बोल सकते हो कि 8085 5 MHz, तो अलग अलग 8086 का स्पीड अलग है, अलग अलग जैसे माइक्रोप्रोसेसर आते जाएंगे उनका स्पीड अलग अलग होता है। तो कॉन्स्टेंट क्या है, एज पर द प्रोसेसर, मतलब 8085 है तो उसका स्पीड कम रहेगा, 80186 है, 286 है, 386 है, तो उसका स्पीड अलग रहेगा। तो ये स्पीड उसके हिसाब से चेंज होते जाएगा। फॉर दिस सिस्टम मे नॉट बी रियली रीजनेबल कॉस्ट, मे नॉट बी अवेलेबल एट ऑल, अ कंपाइलर और रिटारगेटेबल कंपाइलर माइट हैव टू बी डेवलप फॉर दिस। अभी देखो इसको बनाने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम मतलब असेम्बलर या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट नहीं यूज कर सकते। इसको बनाने के लिए आपको डायरेक्टली कंपाइलर्स यूज करके आप उसको डायरेक्टली इन्वेंट कर सकते हो। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है, मतलब इसको बनाना और क्रॉस चेक करना। देखो अभी एक बार आईसी बन गया, तो आईसी बनने के बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करते हैं हम, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। तो ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करना इजी रहता है, लेकिन एक आईसी को डायरेक्टली माउंट करने के बाद, मदरबोर्ड पे माउंट करने के बाद उसको टेस्ट करना, मतलब उसका कॉस्टिंग जो है ना वो ज्यादा रहता है। मतलब उसको पहले बिल्ड करो, उसके बाद चेक करो कि सारे फंक्शंस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, और कंपाइलर भी है जो उसके लिए बनाए, वो अभी तक मतलब उसका डेवलपमेंट ऑफ कंपाइलर वो अलग से कंपाइलर लगेंगे जिनका डेवलपमेंट चल रहा है। कुछ जगह पे यूज करते हैं डायरेक्टली, कुछ जगह पे आपको अलग से। नेक्स्ट अभी देखते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस बताती हूँ मैं अभी आपको, मेजर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है ये। एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन मेनली यूज इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स,
कैमराज में यूज होता है। मैं अगर आपको उसके सारे फंक्शंस बताती हूँ, वेट वन बन जाते हैं ये उसके एप्लीकेशन से। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कंज्यूमर के लिए, हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे होता है। देन होम ऑटोमेशन, सिक्योरिटी सिस्टम में, एयर कंडीशन में होता है, स्प्रिंकलर, इंट्रूडर डिटेक्शन, अलार्म, फायर अलार्म यहाँ पे यूज होता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कार में होता है ना, एबीएस सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। देन टेली कम्युनिकेशन, सेलुलर टेलीफोन्स, टेलीफोन स्विचेस, राउटर्स उसमें ही होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, प्रिंटर, स्कैनर में होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम। स्कैनर में आपने देखा है ना कि कंप्यूटर स्कैनर पे हम जैसे पेपर रखते हैं तो वो स्कैन करना, और उसका मशीन उसको पूरा स्कैन करके हमें इमेज कंप्यूटर पे दिखाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम, हेल्थ केयर, मेजरमेंट, बैंकिंग एंड रिटेल, एटीएम सिस्टम, कार्ड रीडर, बारकोड जो हम कार्ड यूज करते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनो आप लोग। मैं वन मोर टाइम बताती हूँ आपको। सबसे पहले डेफिनेशन बताया, डेफिनेशंस के बाद मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बताया, एंड आफ्टर एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम मैंने उसके टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एक्सप्लेन किए। टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम में बताया स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, एंड लास्ट वन इज द सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। दीज आर द टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, अभी ये वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर लेक्चर स्टॉप करेंगे। पर्पज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, क्या क्या पर्पज है जिसके लिए हमने एम्बेडेड सिस्टम बनाया है। तो ईच एम्बेडेड सिस्टम इज डिजाइंड टू सर्व द पर्पज ऑफ एनी और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टास्क। जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं, कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए या फिर पर्पज के लिए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क के लिए बनाया जाता है। तो कौन से पर्पज है या फिर मेन उसका यूज क्या है। तो सबसे पहला है डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पर्पज है डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड है डेटा कम्युनिकेशन। थर्ड है डेटा प्रोसेसिंग। फोर्थ है मॉनिटरिंग। फिफ्थ है कंट्रोल। एंड सिक्स है एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस। अभी ये वन बाय वन देखो। डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन। अभी डेटा का कलेक्शन ये कहाँ पे होता है। डेटा कलेक्शन इज यूजुअली डन फॉर स्टोरेज, एनालिसिस, मैनिपुलेशन एंड ट्रांसमिशन। द टर्म डेटा रेफर्स ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड अदर मेजरेबल क्वांटिटीज। डेटा कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एम्बेडेड सिस्टम विद एनालॉग डेटा कैप्चरिंग टेक्निक कलेक्ट डेटा डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग एंड कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल बाय यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर। देन कलेक्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट टू द एनालॉग डेटा। इफ द सिग्नल इज इन डिजिटल इट कैन बी कैप्चर्ड विदाउट एनी एडिशनल इंटरफेस बाय डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम। द कलेक्टेड डेटा मे बी स्टोर्ड डायरेक्टली इन द सिस्टम और मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर सिस्टम और इट मे बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। अभी देखो तो यहाँ पे ये वाला एक दिया है, ये देखो ये कैमरा। यहाँ पे डेटा आपका कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है। अभी ये जब हम इमेजेस कैप्चर करें, इमेजेस आर नथिंग बट, अभी देखो ए टू डी कन्वर्टर और डी टू ए कन्वर्टर आपने सुना होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी कैमरा में हम इमेजेस होते, उस इमेजेस के हमारे नंबर ऑफ इमेजेस हमारे डिजिटल कैमरा में स्टोर किए जाते। तो ये डिजिटल कैमरा में ये सारा इंफॉर्मेशन।
तो ये डिजिटल कैमरा है जहाँ पे आप फोटो कैप्चर्स करते हो, और जो भी डेटा आप डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एनीथिंग। और कुछ डेटा एनालॉग भी हो सकता है, कुछ डिजिटल भी हो। एनालॉग का मतलब क्या है ना, आपको वो साइन वेव पता है ना, उस वेव के फॉर्म में भी कुछ एनालॉग डेटा हो सकता है। डिजिटल मतलब जीरोज एंड वन के फॉर्म में भी डेटा हो सकता है, जिसको आप मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखते हो। द डेटा कलेक्शन का एग्जाम्पल है डिजिटल कैमरा, इज अ एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम विच डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इमेजेस आर कैप्चर्ड एंड द कैप्चर्ड इमेजेस मे बी स्टोर्ड विद इन द मेमोरी ऑफ कैमरा। द कैप्चर्ड इमेज कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड टू यूजर थ्रू अ एलसीडी डिस्प्ले यूनिट। और ये जो एलसीडी होता है उस पर हमें वो इमेजेस डिस्प्ले होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डेटा कम्युनिकेशन। अभी देखो डेटा कलेक्शन मतलब अलग अलग टाइप का जो डेटा आएगा आपका, वो सारा डेटा कलेक्ट करना। देन नेक्स्ट होता है डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड डेटा डेटा कलेक्शन में आप अगर कोई ऑडियो बनाते हो, आपका वॉइस अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हो, तो वो भी डेटा कलेक्शन में आएगा, ऑडियो वीडियो। तो एम्बेडेड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम आर डेवलप इन एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम टू सिंपल होम नेटवर्किंग सिस्टम। अभी एम्बेडेड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे रहते हैं, ये देखो, ये वाईफाई है, राउटर से हमारे कॉलेज में भी हम यूज करें। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये जो वायरलेस नेटवर्क राउटर है, वायरलेस है, यहाँ पे वायर नहीं है, वायर से कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली वायरलेस है जो कम्युनिकेशन यूज हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब हम इंटरनेट के लिए, या फिर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, उसके लिए इंटरनेट को यूज करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए यूज हो रहे। तो ये जहाँ पे डेटा कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाएगा, कम्युनिकेशंस, तो कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ये आता है। नेक्स्ट इज द डेटा सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्टेड बाय एम्बेडेड सिस्टम मे बी यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल हियरिंग एड इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एम्प्लॉइंग डेटा प्रोसेसिंग। तो डिजिटल हियरिंग का मतलब क्या है, जो ये जो एड रहता है, जिन लोगों को नहीं सुनाई देता, या फिर दूर का कम सुनाई देता है, या फिर उस टाइम पे क्या करता है, डेटा जो है सिग्नल प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करके यूजर को डेटा प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है, और ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एंड एम्पलीफायर। तो माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज को डिटेक्ट करता है, और एम्पलीफायर उसका एम्पलीफाई करके, उसका थोड़ा सा जो एक्चुअल वॉइस है उससे थोड़ा सा बड़ा करके, जो यूजर है, जो जिसने कान में लगाया, उसको थोड़ा सा बड़ा करके सिग्नल को प्रोसेस करता है। मतलब सिग्नल जो हमें मिलने वाला है, वो रिसीवर सिग्नल को रिसीव करेगा। देन उसके बाद वो क्या करेगा, माइक्रोफोन्स मतलब जो हमारे आवाज डिटेक्ट करते हैं वो। तो उसके बाद क्या है कि एक बैटरी होती है वहां पे, उस बैटरी के थ्रू ये वर्क करता है। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा सिग्नल प्रोसेसिंग किया जाता है। देन नेक्स्ट इज द मॉनिटरिंग। देन इट इज द ऑल एम्बेडेड प्रोडक्ट्स कमिंग अंडर द मेडिकल डोमेन आर विथ मॉनिटरिंग फंक्शंस ओनली। मॉनिटरिंग, अभी देखो आपने अगर हॉस्पिटल में अगर आप गए होंगे, तो इस तरह से कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, उनका ईसीजी डिटेक्ट करते हैं, हार्ट बीट्स डिटेक्ट करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम के अंडर एम्बेडेड सिस्टम है। ऑल एम्बेडेड प्रोडक्ट्स कमिंग अंडर द मेडिकल डोमेन आर विथ मॉनिटरिंग फंक्शंस ओनली। दे आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ सम वेरिएबल यूजिंग इनपुट सेंसर। वेरी गुड एग्जाम्पल इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी मशीन फॉर मॉनिटरिंग द हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट। तो वो पेशेंट के हार्ट बीट अगर आपको काउंट करना है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, मॉनिटरिंग के लिए, मतलब ये मॉनिटर करके डिस्प्ले करता है, देखो ये एनालॉग सिग्नल ऊपर नीचे। तो ये जो है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए। अभी कंट्रोल कैसे होता है, एम्बेडेड सिस्टम विथ कंट्रोल फंक्शनैलिटी इम्पोज कंट्रोल ओवर सम वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेरिएबल्स। अभी जो भी इनपुट देंगे, उस हिसाब से वो कंट्रोल करता है एम्बेडेड सिस्टम को। अ सिस्टम विथ कंट्रोल फंक्शनैलिटी कंटेन बोथ सेंसर एंड एक्चुएटर।
और जहां पे भी कंट्रोलिंग का फंक्शन आएगा, तो मैंने कंट्रोल के लिए आपको बताया कि सेंसर्स ओनली टेक द इनपुट, जैसे रिमोट है, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल क्या कर रहा है, सेंसर्स ओनली सेंस द डेटा एंड एक्चुएटर एलईडी, एलईडी इज द एक्चुएटर विच शोज द आउटपुट, तो एलईडी ब्लिंक करके हमारा आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे सेंसर्स आर इनपुट पोर्ट्स फॉर कैप्चरिंग द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड एक्चुएटर आर आउटपुट पोर्ट्स फॉर देन इट इज यूज फॉर द देन इट इज यूज फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ अ मशीन। ओके एम्बेडेड सिस्टम विद कंट्रोल फंक्शनैलिटी इम्पोज कंट्रोल ऑफ सम वेरिएबल्स। अभी देखो एम्बेडेड सिस्टम कुछ ऐसे है जो कंट्रोल करते हैं, लाइक एज ए रिमोट कंट्रोल, जहाँ पे सेंसर आर यूज लाइक एज ए इनपुट पोर्ट फॉर कैप्चरिंग द चेंजेस, वो चेंजेस एनवायरमेंट के चेंजेस को कैप्चर करते हैं, मेजर करते हैं। एंड एक्चुएटर आर आउटपुट पोर्ट्स आर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इनपुट वेरिएबल। अभी इसका एग्जाम्पल अगर दिया तो वो है एयर कंडीशनर, एसी, एसी क्या करते हैं कंट्रोलिंग रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए देखो ये रिमोट जिसके थ्रू हमें वो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है यहाँ पे स्क्रीन पे, और आप उसको कम ज्यादा करके एसी को कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, इनपुट एक्चुएटर्स होते हैं, और जो एम्बेडेड सिस्टम है विद इन द एयर कंडीशन होता है, एयर कंडीशन के अंदर एम्बेडेड सिस्टम का आईसी होता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस में अगर आप देखोगे दीज आर द एम्बेडेड सिस्टम विद एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस लाइक बटन, स्विचेस, कीपैड, लाइट्स, बेल्स, डिस्प्ले यूनिट, ये जहाँ पे भी आएंगे वो सारे आपके एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। तो इसका एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ पे कीपैड, स्विचेस और बटन होते हैं वो है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन इज एन एग्जाम्पल विच हैव द कीपैड, देखो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है, एलसीडी मॉड्यूल होता है, जहाँ पे स्पीकर्स होते हैं। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया है, स्पेसिफिक फंक्शन मतलब ये कैमरा कैप्चर द इमेजेस, फोन फॉर कॉलिंग, देन मैसेजिंग, मैसेज सेंड करने के लिए। तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अगर कोई यूज किया जाएगा स्पेसिफिक, अभी कैमरा के लिए हमने क्या है बैक साइड में एक छोटा सा कैमरा होता है एम्बेडेड सिस्टम का जो सेंस करता है इमेज को और आउटपुट में हमारे एलसीडी स्क्रीन पे उस आउटपुट में डिस्प्ले करता है। तो ये सारे क्या है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम। तो अभी तक मैंने आपको पर्पजेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बताया, फिर से एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पर्पजेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम में सबसे पहले आता है फॉर डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए जो एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है वो है डिजिटल कैमरा। फॉर एग्जांपल दिया है डिजिटल कैमरा, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स फॉर डेटा कलेक्शन। देन फॉर डेटा कम्युनिकेशन राउटर, वायरलेस नेटवर्क राउटर जो है वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इट इज ऑल्सो नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। देन डिजिटल डाटा सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा सिग्नल प्रोसेसिंग में हियरिंग एड बताया, डिजिटल हियरिंग एड जहाँ पे क्या करता है एक छोटा सा माइक्रोफोन होता है, रिसीव करता है अलग अलग आवाज या फिर सिग्नल्स को और उसके बाद उसको एम्पलीफाई करके यूजर्स को सुनाता है, इसका मतलब इट इज फॉर हियरिंग पर्पज। तो ये सिग्नल को प्रोसेस करता है, मतलब कम या ज्यादा करता है, एम्पलीफाई करना या फिर उसका थोड़ा सा कम या ज्यादा करना एक्चुअल सिग्नल को, उसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेस करना। मॉनिटर करना मतलब एक्चुअल स्टेटस को दिखाना, शो करना, मॉनिटराइज करना। तो ईसीजी पेशेंट का करंट सिचुएशन अगर हमें डिस्प्ले करना है हार्ट बीट का तो उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम यूज होता है। कंट्रोल सिस्टम में क्या है, अगर रिमोट कंट्रोल है, एयर कंडीशन का कंट्रोल है, एसी का जो कंट्रोल है रिमोट कंट्रोल, तो उसके थ्रू वो सेंस करता है करंट, करंट कितना टेम्परेचर है वो डिस्प्ले करता है और उसको उसके हेल्प से हम क्या करते हैं कम ज्यादा करते हैं एम्बेडेड सिस्टम से उसके टेम्परेचर को और वो आउटपुट हमें फिर एसी उस हिसाब से कम ज्यादा जो भी टेम्परेचर आप करोगे उस हिसाब से सेट होता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, कैमरा यूज फॉर कैप्चरिंग द इमेजेस, फोन फॉर कॉलिंग, मैसेज फॉर मैसेजिंग, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो यूज किया जाता है उसे कहते हैं
एम्बेडेड सिस्टम के पर्पजेस। अभी मैंने आपको सारे बताए एप्लीकेशंस। देखो मैंने एम्बेडेड सिस्टम बताया पूरा आपको, तो अभी तक जितना बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? नो मैम, अभी तक मैंने जितना, ठीक है, तो दीज आर द वेरियस। हेलो, जितना आप सर्च करोगे उतने टाइप्स के आपको एम्बेडेड सिस्टम मिलेंगे। ठीक है, तो हर एम्बेडेड सिस्टम में मैंने आपको बताया कि हर एम्बेडेड सिस्टम में मेमोरी लगता है। देखो अभी तक जितना बताया, अगर उसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो आप क्वेश्चन मैसेज करो या फिर अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है?